Today, Rahul Gandhi filed appeal in Gujarat Surat court and he appealed against his conviction order which was passed by CJM of Surat. So, appeal was filed before the district and session court and the appellate court, after receiving the appeal, granted bail to Rahul Gandhi and also suspended the sentence. But the order on section 389 and section 389 subsection 1 CRPC application which was filed for the conviction of a stay, on that application notices have been issued to the respondent and next date is of 13th April. So now the appellate court will pass an order that whether the conviction of Rahul Gandhi shall be stayed or not. If the conviction is stayed, then his disqualification of parliament will not remain in force and he will be again work as a member of the parliament. But if a stay will not be granted on the conviction, then his disqualification will sustain until and unless the higher court grants the same or not. So, appellate court has granted bail as it was a bailable offence and this offence pertains to the summon cases category. So, bail was given in the regular courts. Now, appellate आज राहुल गांधी जी द्वारा सूरत कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई, जो कि उन्होंने सीजेएम का ऑर्डर था जिससे उनको डिफेमेशन केस में कन्विक्शन किया था उसके अगेंस्ट में अपील फाइल की गई है और सूरत कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट द्वारा अपीलेट कोर्ट द्वारा उनको बेल पे छोड़ दिया गया है 15,000 के जो बेल बॉन्ड्स हैं उसके ऑर्डर करके। साथ ही जो एप्लीकेशन थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उसको भी स्वीकार करते हुए सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन है सेक्शन 389 और सेक्शन 389 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी की, उस पर नोटिस जारी किया गया रेस्पोंडेंट को और 13 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। तो अब यह देखना है कि जो अपीलेट कोर्ट है वो उनका कन्विक्शन को स्टे कर देती है, और अगर स्टे कर देती है तो उनकी जो पार्लियामेंट की सदस्यता से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है वह सदस्यता उनको वापस मिल जाएगी, और अगर स्टे नहीं किया जाता है तो फिर वह डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगा जब तक कि उससे हायर कोर्ट जो है वहां वो जाकर उसको स्टे नहीं लेते। तो इसमें सीधा सीधा है कि यह एक सम्मन केसेस की कैटेगरी में आता है, डिफेमेशन का ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है इसलिए बेल दे दी गई है, और जजमेंट की जो फाइनल डिसीजन है वो अपीलेट कोर्ट फाइनल हियरिंग के बाद ही आएगा, लेकिन फिलहाल अगर कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाता है तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी वापस से और एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो फिर से फंक्शन में आ जाएंगे।